jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अमेरिकी के टेनेसी में रहने वाली एक मां ने 25 साल पुराने भ्रूण से एक बच्ची को जन्म दिया है। इस कपल ने बताया कि इम्प्लांट के जरिए इन्हें स्वस्थ बच्ची पैदा हुई है। टीना और बेंजामिन गिब्सन के घर पिछले महीने इस बच्ची का जन्म हुआ। आपको बता दें कि जिस भ्रूण को टीना पर इम्प्लांट किया गया उसकी उम्र उस माँ से सिर्फ 1 साल छोटी है। जब टीना 1 साल की थी उसी दौरान एक डोनेशन सेंटर में इस भ्रूण को जमा कर रख दिया गया था। टीना के जन्म के साल भर बाद इस भ्रूण को 1992 में फ्रीज किया गया था। इसी साल मार्च में नेशनल एम्ब्रायो डोनेशन सेंटर NIDC में टीना के शरीर में इस भ्रूण को इम्प्लांट किया गया था। अब 26 साल की हो चुकी टीना ने एक टीवी चैनल से कहा, यह भ्रूण और मैं बेस्ट फ्रेंड हो सकते थे क्योंकि हमारी उम्र में सिर्फ 1 साल का अंतर है। टेनेसी यूनिवर्सिटी के एक सपर्क ने बताया कि ये पहली बार है जब इतने लंबे समय तक फ्रीज कर रखे गए भ्रूण से किसी बच्चे का जन्म हुआ है। यह एक रिकॉर्ड है। 35 साल की बेंजामिन को सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी थी। इस बीमारी के चलते पुरुष बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते। बेंजामिन ने बच्ची के जन्म के बाद कहा, एमा का पैदा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। 25 साल तक फ्रिज में रहने के बाद वो और भी खूबसूरत लगती है। गिब्सन दंपति ने पहले बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उन्होंने एम्ब्रियो इम्प्लांट कराने का फैसला किया।